ये किसान को गरीब का सरकार नहीं है बीजेपी, कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। मोदी सरकार तो जात के बांट गया, तो जाति धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है। बीजेपी जो है बरसात का मेंढक जैसा डर डर करेगा, जहाँ बरसात खत्म इलेक्शन खत्म, ये लोग भाग जाएगा सब दिल्ली। मीडिया भी बिकाऊ है, बहुत सारा चैनल लोग देखते है ना, उसमें बिकाऊ मीडिया चार चैनल तो गिना ही देते हैं। एक जी न्यूज, न्यूज नेशन, एकदम दीपक चौरसिया जी से आप भेंट करिए। दीदी छोड़कर दूसरा किसी को सोच भी नहीं सकते। डर लगेगा ही भाई, सब कुछ उसके पास है, ताकत उसके पास है, पैसा उसके पास है, हम किसके पास जाएंगे उसके खिलाफ बोलना। माहौल किसका बन रहा है इस बार यहाँ, इसमें भी पूछना है तो मीडिया माहौल बना रही है। पब्लिक का माहौल आपको मालूम नहीं है, पब्लिक चुप है। मीडिया भी बिकाऊ हो गया, मीडिया भी बिकाऊ है, बहुत सारा चैनल लोग देखते है ना, उसमें बिकाऊ मीडिया चार चैनल तो गिना ही देते हैं। एक जी न्यूज, न्यूज नेशन, एकदम दीपक चौरसिया जी से आप भेंट करिए। क्या कहना है आपको तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आप बताइए, आप क्या किसकी हवा देख रहे हैं अभी? जो ऐसा पोजीशन है, हमेशा से ही पश्चिम बंगाल में हम लोग दीदी का सरकार को मानते आए हैं। दीदी सरकार हमारे यहाँ बहुत कुछ दी है, बहुत कुछ कर रही है। हम लोग दीदी छोड़कर दूसरा किसी को सोच भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी को वोट तो सवाल ही नहीं है उसके बारे में। अच्छा आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। अच्छा ये बताइए मुझे कि यहाँ पर सब लोग कह रहे टीएमसी, क्यों? टीएमसी इतना काम करी है दीदी, इसीलिए टीएमसी का जो है सब नाम ले रहे हैं, और टोटल आदमी टीएमसी को ही वोट देगा यहाँ पर। और बीजेपी जो है जैसे आया है, सीजन पे आया है, पानी का बुलबुला ऐसा, बरसात का मेंढक जैसा टर टर करेगा, जहाँ बरसात खत्म इलेक्शन खत्म, ये लोग भाग जाएगा सब दिल्ली। दिल्ली भाग जाएगा, सीधा दिल्ली भाग जाएगा, कोई गुजरात भाग जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम सोनार बंगला बनाएंगे, पहले यूपी को सोनार बंगला बनाए, गुजरात को सोनार बंगला बनाए, पहले जो है हरियाणा का सोनार बंगला बनाए, वो तो बना नहीं पाए। 300 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, उनकी बात सुनवाई नहीं कर रहा है, सारा ठंडा किसान गुजार दिया। ये किसान को गरीब का सरकार नहीं है बीजेपी, कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। और बंगाल में दीदी इतना काम करिए, इतना काम करिए, आप रोड देख लीजिए, गली गली का, कहीं का भी बच्चा लोग को, लड़की लोग को कन्याश्री शादी होता है उसका 25,000 रुपया, हर सहूलियत, किताब कापी ड्रेस सब कुछ दे रही है दीदी। अच्छा काम किया, अच्छा काम करिए दीदी के अलावा कोई किसी को वोट नहीं देगा, सिर्फ दीदी को वोट जा रहा है। सिर्फ दीदी, सिर्फ दीदी पैसा देगा, लड़का पैदा होगा तो भी पैसा देगा, सब तो फैसिलिटी दे रही है। क्या चीज का कमी हम लोग को? इसलिए बंगाल में बीजेपी सिर्फ हवा बना रहा है, कुछ मीडिया हवा बना रहे हैं, मैं आपको नहीं कहता हूँ, आपको सच्चाई दिखाते हैं। मोदी सरकार तो जात को बांट गया भाई साहब, मोदी सरकार तो जात के बांट गया, जाति धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है। हमको मियां का वोट नहीं चाहिए, हम हिंदुस्तानी, हमारा हिंदू को वोट, मियां का वोट नहीं चाहिए, वो मुस्लिम कैंडिडेट उठाएगा क्यों? अगर उनको डर नहीं था तो बंगाल में 6 मुस्लिम वोटर को काहे लाया, कैंडिडेट क्यों दिया? उसको तो मुस्लिम वोट नहीं चाहिए था, तो मुस्लिम कैंडिडेट क्यों लगाया? उसको डर है कि हम यहाँ से जीत नहीं पाए, मुस्लिम कैंडिडेट हमको वोट देगा नहीं, इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया, उसको नहीं खड़ा करना चाहिए था। यूपी में इलेक्शन हुआ था, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया बीजेपी? कहीं नहीं खड़ा किया, तो बंगाल में डरा हुआ है, इसलिए जो है इतना मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है, फिर भी जो है बीजेपी कहीं नहीं है, सिर्फ हवा हवाई है, हवा बना रहा है। आप एक एक पब्लिक से पूछ लीजिए, जहां भी जाइए, सीधा सब टीएमसी देगा। बंगाल में जो काम होगा, जो काम करेगा, काम के ऊपर दीदी काम करी है, इसलिए दीदी जीतेगी। खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा। अच्छा बात, हम यही बोल रहे हैं, अगर आपको जो है इतना भरोसा है जनता के ऊपर, तो आप छोड़ दीजिए ना जनता पर, पूरा सेंटर उठ के बंगाल में आने का दरकार किया है? अच्छा। जनता का भरोसा पे छोड़ दीजिए, जनता किसको चुन रही है वो देखिए। बस आप लोग को पूरा दिल्ली छोड़ के यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं है, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, जनता फैसला कर देगा 2 मई को क्या होगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आपने सुना यहाँ पर साफ तौर पर जनताओं का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। बालीगंज से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।